हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चे, आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रोहित फिनेंशियल क्राइसिस के बारे में। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, अभिजीत, आकाश, अभिजीत कुछ सेंड किए थे नोट्स आप लोगों को। अभिजीत पढ़े थे उसको? यस सर। उसमें जो सिक्स रूट बताए थे उसको पढ़े थे कुछ? रोहित बताइए, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे रोहित? यस सर। लिवरेज, लिक्विडिटी, यस सर, थैंक सर। और उसमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज नहीं था क्या? अभिजीत बताओ बच्चे, आप पढ़े थे अभिजीत? यस सर। टैक्सेस एंड था, लिवरेज था, लिक्विडिटी था, सब्सिडीज था। वही वही टैक्सेस एंड सब्सिडीज हम अभी पूछ रहे थे रोहित से। उसके बारे में कुछ बताइए रोहित। सर नहीं पता सर। हाँ बताइए आकाश, आप बता सकते हैं? सब्सिडी होता है जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स होता है। जो देखो बच्चे, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, स्टडी तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो फिर तो प्रॉब्लम है। अभिषेक, अभिषेक बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। प्रिया, यस सर, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के बारे, टैक्सेस एंड सब्सिडीज के बारे में आप बता सकते हैं? सिक्स रूट जो फाइनेंशियल क्राइसिस का हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को समझाए थे, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। सर लिक्विडिटी के बारे में पता है, टैक्सेस याद नहीं आ रहा। आपको बच्चे ग्रुप में देखे जो नोट्स हम भेजे थे? यस सर। उसमें नहीं है? अगर पढ़िए उसको, देखिए। सर उसमें से टैक्सेस एंड सब्सिडीज में सर सर वो इम्पैक्ट करता है कॉस्ट और फ्लो ऑफ कैपिटल पे। और ये सर इतना ही याद है सर। चलिए आप बताइए अभिजीत। तबीयत ठीक नहीं है सर। ओके, बाकी बच्चे, सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। तो लगभग हम लोग का रिवीजन तो हो ही गया है। इसमें कोई एक और कोई टॉपिक ऐसा है जो कि नहीं आपको आपको कुछ समझ में आया हो? IRDA को बढ़िया से रिवीजन किया है प्रिया आप लोग? सही बच्चे बताइए। यस सर। क्वेश्चन इसका देखे हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है? यस सर, 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। उसको तैयारी किए हैं? देखिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश की आप लोग? यस सर, बन गया था क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं था ज्यादा।
तो क्या लग रहा है जितना तैयारी आप लोग किए तो मतलब बना करके आप लोग देखे उसको? यस सर, सॉल्व कर रहे हैं सब क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। अभी से 60% प्रिपरेशन हो गया है बच्चे। अपने आपको मैंने स्टूडेंट जो है सो अपने आपको खुद जज कर सकता है क्योंकि आप डिफरेंट ईयर का जो भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है पेपर का, उस पेपर का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको सॉल्व होता है तो इसका मतलब आपका तैयारी क्या है, अच्छी तैयारी है। थोड़ा इस तरह से देखिए, उसमें मुझे ये कहना है कि कोई ऐसा पॉइंट जिसमें की प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो और आपको समझ में नहीं आया हो। राजवीर राजवीर एक अभी देख रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा। इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि फिनेंशियल या फिनेंशियल क्राइसिस का ही है बच्चे। तीन चार पॉइंट है, फिर उसको कंक्लूजन में बताया गया है, एक आर्टिकल है, बढ़िया है। ये देखिए ये आर्टिकल का जो इसका जो मतलब ये है रिसर्च पेपर है इसको कहा जाए, द इम्प्लीकेशन ऑफ द फिनेंशियल क्राइसिस टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। लिखो सही बच्चे, लिखो तो इसको the implication of the financial crisis to the industry, to the insurance industry, अब ये दो पॉइंट से किया है, एक तो ग्लोबल एंड रीजनल and regional देखिए तो अभिजीत या देखिए तो यस सर पढ़िए एक बार, द इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज ग्लोबल एंड रीजनल पर्सपेक्टिव। समझ में आया कुछ? पूरा क्राइसिस के बारे में तीन चार पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन दिया गया है और सेकंड में इसका जो पॉइंट बताया है कॉम्प्लेक्स समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। यस सर, मुश्किल हाँ मतलब जटिलता।
इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिलेशनशिप करा इंश्योरेंस इज वन ऑफ द की मैकेनिज्म ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कभी बताए थे आप लोगों को? यस सर बताए थे। एक इस टॉपिक को थोड़ा देखिएगा बच्चे, आप लोग भी नोट्स बनाइएगा इस पर, सही बच्चे इसको लिख लीजिए। तो सर हाँ सर, आप जो एक बार हम लोग को बुक शेयर किए थे सत्यभामा वाला, वो आपके पास होगा क्या अभी? हाँ अभी सर, तो वो मेरा डिलीट हो गया है। एक बार हमको भेजे थे हमने, हमको अच्छा लगा था। मेरे पास पेज नंबर 185 था ना उसमें। यस सर। हालांकि हम तो यही बताए थे कि उसमें अगर पूरा का पूरा अगर आप लोग पढ़ लोगे ना बढ़िया से, तो कंटेंट हमको लगता है लगभग आपको कवर कर जाएगा। यस सर, उससे सेक्शन 1 एंड 2 टोटल कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करते हैं, देखते हैं इसको। आवाज को म्यूट कर लीजिए। पूरे ग्रुप में ही भेजे होंगे ना? यस सर, ग्रुप में ही भेजे तो बट डिलीट हो गया। और सर फिर से ग्रुप से डाउनलोड कर ले तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा देखते हैं इसको, आफ्टर क्लास हम इसको आपको कोशिश करेंगे, आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? यस सर। लिख लिया इसको? यस सर लिख लिया। राजवी आवाज आ रहा है आपको क्या? बच्चे कैमरा ऑन करो। आशुतोष, अभिषेक, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। क्या था? सत्य भामा ना? यस सर। सब मिल गया, जाने दीजिए। अभी शेक सेंड कर दिया, उसके पास था। हाँ एक बार मैं आपको भी सेंड कीजिए थोड़ा। तो ये कम था थोड़ा, अच्छा था ये कंटेंट। दो तो इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट आपको हमको लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभिषेक देखो तो, अभिषेक कुछ बोल ही नहीं रहा है, कहाँ है ये अभिषेक? बच्चे कैमरा ऑन कीजिए।
सर वो इंटर्नशिप कर रहा है। अच्छा, इसमें आपको रिस्क का टॉपिक जो है सो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। यस सर। इवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इन मॉडर्न इंडिया, ये भी आपका है। ये आशुतोष, आशुतोष आशुतोष आवाज नहीं आ रहा आपको क्या? आशुतोष राजवीर, राजवीर तो अभिजीत इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, ECGC। प्लीज कहीं इधर उधर देख करके बात अपना कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मुझे बताइए। ECGC इकोनॉमिक क्राइसिस और ग्लोबल क्राइसिस। नहीं बच्चे, सर अचानक पूछेंगे तो कहां से बता पाएंगे। आप बताओ प्रिया सर किस चीज से रिलेटेड है ये? सर बताएं सर, एक्चुअली हम देख लिए हैं, इसका फुल फॉर्म है सर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी शामिल किया जाता है किसमें? इंश्योरेंस में। What do you mean by ECGC? एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करता है। तो क्या उसमें इंश्योरेंस तो हो सकता है? यस सर, जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंश्योरेंस तो ऑफकोर्स होगा ही उसमें सर, क्योंकि अगर लॉस, अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है और जब सर गुड्स इन ट्रांजिट है तो सर अगर बीच में ही रास्ते में अगर उसको कुछ हो गया तो उसके लिए तो इंश्योरेंस करवाना उसको जरूरी है। ओके, तो थोड़ा एक लाइन इसमें लिख लो तो सही बच्चे। ECGC इज एसेंशियली ECGC is essentially an export promotion, an export promotion organization, ऐसे लिखिए, Export Promotion Organization seeking to improve the competitiveness of the Indian exports
competitiveness of the Indian exports by providing them will credit insurance covers इसका फुल फॉर्म लिख लिए सही बच्चे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक वर्ड था उसमें इसीलिए उसको बता दिया डिटेल ये भी तो वर्ड था ना नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर यस सर ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको भी पढ़िएगा और ये लिबरलाइजेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर यस सर कुछ क्वेश्चन हम आपको लिखवाए भी थे एडवांस में एक्स्ट्रा लिखवाए थे याद है आप लोगों को बच्चे यस सर है और ये तो जानते होंगे व्हाट डू मीन बाय फायर इंश्योरेंस और जैसे इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो आप लोग कितने टाइप्स इसको कर सकते हैं बताइए सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए व्हाट डू मीन बाय फायर इंश्योरेंस ये तो आप लिख दोगे क्या अभिजीत ये तो मुंह पर ही रहता है हमेशा लेकिन लेकिन अगर इसमें आपको टाइप्स पूछ दे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्या फायर इंश्योरेंस क्या कॉमन टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस बताओ तो हमारे प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट नहीं 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 सर आप ही तो बोल रहे थे एक बार और बताओ कुछ रोहित आप बताओ सर फायर इंश्योरेंस ही पता वही बुक में उसी में है लिखिए तो टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस तो समझते हैं फिर से उसको बताने की जरूरत है नो सर तो इसको दोनों चैप्टर को क्या फिर से एक बार कर लेते हैं हम लोग क्या स्टार्टिंग से यस सर ताकि आपको ये इसमें कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस
तो सब में लगभग वही दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं आपका मटेरियल में पेज नंबर जो हम भेजे हैं उसमें देखिएगा 32 नंबर पेज, सही बच्चे के पास पीडीएफ है ना, ये 32 नंबर पेज। हालांकि इसमें चार ही दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा भी है उसको भी आप लिख लेंगे तो लिख लीजिए। अगर टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस मींस, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ क्या फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके यस सर, दोनों का आंसर एक ही होगा बच्चे। अगर आपको टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पूछे या टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी पूछे तो उसका आंसर लगभग सेम है। लिखिए some of the common types of fire insurance policy, सबसे फर्स्ट लिखिए पेज नंबर, नोट निकाले वो 32 नंबर पेज जो बोले ये से निकाल लिए सब। हाँ तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है वैल्यूड पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी। यस सर, आवाज नहीं आ रहा है आपको क्या? सर आ रहा है लेकिन अभी हम बाहर हैं सर। आप भी इंटर्नशिप में है क्या? यस सर, उसी बारे में ढूंढने गए हैं सर, मिल ही नहीं रहा है। ओके क्या नहीं मिल रहा बच्चे बताइए। ओके तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है प्रिया, देखिए तो उसमें सर फर्स्ट वैल्यूड पॉलिसी। अंडर वैल्यूड पॉलिसी, प्राइस को भी नोट कर लीजिए और उसके बाद बुक से भी आपको पढ़िएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। वैल्यूड पॉलिसी, अंडर वैल्यूड पॉलिसी द वैल्यू ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर is decided upon which the insurer pay if it is destroyed or damaged सर पे के बाद रिपीट करिएगा। इसके बाद शुरू कर देते हैं। अंडर वैल्यूड पॉलिसी द वैल्यू ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर is decided upon which the insurer pays, PAYS, if it is destroyed or damaged,
दिस पॉलिसी डजंट work on the principle of indemnity. Indemnity, the agreed value that is compensated the agreed value that is compensated can be more or less than the market price. Sir, ek bar repeat kijiyega compensated ke baad. Compensated can be more or less, jada ya kam, can be more or less than the market price. This policy is designed for the goods and properties which actual value क्या है विच एक्चुअल वैल्यू कैन नॉट बी डिसाइडेड
which actual value cannot be decided after their damage or loss. Yes, sir. Usually, the work of art, jewelry, painting, craft, etc. etc. come into this category. एक बार पढ़िए तो इसको बच्चे सर, इसका मतलब पॉलिसी और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अलग नहीं है? नहीं, ये आपको वैल्यूड पॉलिसी मतलब देखो, एक इंश्योरेंस कंपनी होता है, एक इंश्योरेंस करने वाला, एक इंश्योरेंस करवाने वाला। यहाँ तक तो समझ में आया। जो व्यक्ति इंश्योरेंस करता है तो अगर उस तरह का घटना अगर उसके साथ घट गया तो वो तो डैमेज और जो भी लॉस होगा उसके लिए क्लेम करेगा ना। अब इंश्योरेंस कंपनी उस पर तैयार होगा कि ठीक है, आपका इन्वेस्टिगेट किया गया, इतना आपका लॉस ही एक्सेप्टेबल है, इतना ही आपको पेमेंट करेंगे। तो वैल्यूड पॉलिसी का मतलब है वो वैल्यू को फाइंड आउट करना। ओके, यस सेकंड पढ़िए, देखिए सब समझ में आ गया सही बच्चे को। सेकेंड में आपका है स्पेसिफिक पॉलिसी। एक बार बच्चे रीड कीजिए उसको।
चार पांच उसमें जो दिया हुआ है प्रिया उसमें कुछ कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे कि आपका पॉइंट हम देख रहे थे, ये देखो इसमें तो चार ही पॉइंट दिया हुआ है ना। यस सर। तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, फ्लोटिंग दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव यस सर, और स्पेसिफिक दिया हुआ है। तो एक आप एवरेज लिख लीजिए, एवरेज पॉलिसी अटैच कर दीजिए, और एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी, दो पॉइंट को इसमें अटैच कर दीजिए, छह पॉइंट है, अब तो पांच तो लिख सकते हैं ना अगर आएगा तो। यस सर। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें कौन दो पॉइंट तो एक्स्ट्रा लिखवाए हैं, एवरेज पॉलिसी का लिख लीजिए थोड़ा। When an average clause, when an average clause is applicable to fire policy, when an average clause is applicable to fire policy, it is called average policy. It is called average policy. This clause is used to penalize penalize the policy holder, the policy holder for taking up a policy, for taking up a policy with a larger amount, with a lesser amount than the actual value of the property, than the actual value of the property. Than the actual value of the property. Than the actual value of the property. लिख लिए, the compensation amount is proportionately reduced in case the value of policy, in case the value of the policy less than the insured property, let's say if you own fire insurance of worth, own fire insurance of worth rupees 20,000,
रुपीज 20,000 then the value of your property is rupees 30,000 30,000 in case of fire damage in case of fire damaged of around rupees 50,000 the insurer will pay you up to rupees 10,000 rupees 10,000 तो इसका प्रोपोर्शनेटली कितना हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड 30,000 इंटू 15,000 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए एंड नॉट रुपीज 15,000 it discourages the policy holder to get an undervalued policy बच्चे थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच हाँ इसको टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा बच्चे बढ़िया से ठीक है यस सर